और जो ये आप यहाँ पे व्यू देख रहे हो, ये है हाथी पर्वत, हाथी पहाड़ के नाम से जाना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं नरसिंह मंदिर की राइड पे, वहाँ हमने आज विजिट करना है। हमारे गाइड साहब जा रहे हैं आगे से, ताबड़तोड़ जा रहा है बाबा। यहाँ बद्रीनाथ स्टैंड है यहाँ पे गाइस। कहाँ ले जाएंगे हमें आज? गाइड साहब कुछ डेंजर काम करवा के रहेंगे। आज गाइड साहब हमें कुछ डेंजर स्टंट करवा के रहेंगे यहाँ पे गाइस। यह है शॉर्टकट रास्ता, अभी हम नरसिंह मंदिर जा रहे हैं। यहाँ पर से शॉर्टकट रूट पकड़ा है अभी हमने। गाइड साहब के पद चिन्हों पे चल रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं रास्ता तो सही है, खराब नहीं है रास्ता, ठीक है, शॉर्टकट है, अच्छा रास्ता है। अभी देखेंगे, मजा आ रहा है गाइस। वैसे यहाँ पर वो मुझे लगता है आज मैं इधर ही उतारना होता हूँ गाइस। भाई साहब ये काफी डेंजर ही रास्ता है यार। भाई साहब जी, नरसिंह मंदिर का रास्ता काफी डेंजर रास्ता है, पर मजा बहुत आ रहा है गाइस यहाँ पर ऑफ रोडिंग का मजा। ऑफ रोडिंग नहीं है, पूरा स्लोप है टाइप का, नीचे अच्छा रास्ता है, रोमांचक रास्ता है। ओहो, यहाँ पर थोड़ा सा पैर नीचे रखना ही पड़ेगा। यहाँ पर मज़ा आया वैसे तो यहाँ पर इस रूट पे। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा बैक करना पड़ेगा, उतरिए थोड़ा, उतरना पड़ेगा शायद आपको थोड़ा ना गाइस। देखिए इतना शॉर्टकट था, हम सीधे नरसिंह मंदिर पहुंच चुके हैं यहाँ पे। ये है यहाँ पे नरसिंह मंदिर। हमारे गाइड साहब ने गाड़ी पार्क भी कर ली है यहाँ पे। जय नरसिंह देवाय नमो। गाइस पार्किंग के लिए गाइस हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं नरसिंह मंदिर पे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है नरसिंह मंदिर का बोर्ड भी लगा है यहाँ पे, जय नरसिंह देवाय नमो। दोस्तों यहाँ पे जोशीमठ का सरकारी हॉस्पिटल भी है। ये है नरसिंह भगवान के पावन स्थल। जय हो प्रभु। यहाँ पे शिवालय है यहाँ पर। हम बाई गेट जाएंगे, जो मेन गेट है वहां से। ये है दोस्तों मंदिर की पावन स्थली। यहाँ पर शूज निकालने के लिए कहा गया है, कृपया जूते यहाँ उतारिए। यहाँ पे हम थोड़ा जूता उतार लेते हैं। मंदिर काफ़ी अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। ये है हमारे वासुदेव मंदिर श्री, यहाँ पर श्री अष्टभुजा गणेश भी है, श्री नव दुर्गा मंदिर भी है और श्री गौरी शंकर मंदिर भी है। अब यहाँ से हम मेन मुख्य मंदिर के प्रांगण में जा रहे हैं। जो आप मेरे पीछे ये मंदिर देख रहे हो,
इसको बने हुए अभी सिर्फ 1-2 साल हो रहे हैं। जो पुराना मंदिर था वो था उधर साइड, उस मंदिर के उधर साइड लेफ्ट साइड में। और ये है आपका पूरा यहाँ पे सामने का हाथी पहाड़ का व्यू है, काफ़ी अच्छा है व्यू। Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. गाइस ये है नरसिंह मंदिर आपका जो जोशीमठ में स्थित है। ये काफ़ी भव्य मंदिर है यहाँ पे। ये मंदिर आपके हाल ही में ही 1-2 साल हुए हैं इसे बने हुए। जो पुराना मंदिर था वो मंदिर के उस साइड है। और जो ये आप यहाँ पे व्यू देख रहे हो ये है हाथी पर्वत, हाथी पहाड़ के नाम से जाना जाता है। ये जोशीमठ के सीधा फ्रंट में है आपके। गाइस यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि जो आप नरसिंह भगवान जी की जो बाएं हाथ है उसकी जो कलाई है वो धीरे धीरे पतली होती जा रही है। और ऐसी मान्यता है अगर वो किस दिन पूरा टूट गया तो आपके जो नर और नारायण पर्वत हैं वो आपस में मिल जाएंगे। और नर और नारायण आपस में मिल जाएंगे तो तब उसके बाद मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा पूरे बद्रीनाथ का। तब उसके बाद जो जोशीमठ से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक सुबाई गाँव में है वो, उसमें भविष्य बद्री जी का निर्माण शुरू हो चुका है। वहाँ धीरे धीरे मूर्ति आ रही है, इसका भी हम एक दिन कभी ब्लॉग बनाएंगे, इसमें ज़रूर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर भोग प्रसाद काउंटर भी है, देखिए गाइस यहाँ पर पूजा दे पूजा काउंटर है। श्री नरसिंह मंदिर में होने वाली पूजाओं का विवरण, अभिषेक के लिए आपको 1100 रुपये, पूजा देवी रुपये हैं। उसके बाद सहस्त्र नामावली 551 रुपये है, सहस्त्र नाम पाठ 351, नित्य भोग, ऐसे ही बहुत सारे पूजा हैं जो आप करवा सकते हो यहाँ पे। पंडित जी अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे ऑल टाइम। गाइस यहीं पे ही बद्रीनाथ की शीतकालीन जो पूजा होती है वह यहाँ पे होती है, जो 6 महीने की होती है। जब बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं तो मूर्ति को यहाँ लाया जाता है और उसकी पूजा यहाँ पे परंपरागत की जाती है। गाइस जो पुराना नरसिंह मंदिर था वो पीछे था इधर ही, और अभी ये नया नरसिंह मंदिर का निर्माण किया गया है। काफ़ी सुंदर मंदिर है, यहाँ से पुराने मंदिर का जो गेट है वो यहाँ से इधर था। एक तिमुंडा पर्व भी होता है जो इस प्रांगण में होता है, और जो पर्व है वो बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पहले शनिवार के दिन होता है। गाइस अब हम बैक टू होम हो रहे हैं, जोशीमठ के साइड जा रहे हैं वापसी। और काफ़ी अच्छा मंदिर है गाइस, आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। आप अगर जोशीमठ आते हो और बद्रीनाथ आते हो तो एक बार नरसिंह मंदिर भी आप ज़रूर विजिट कीजिए। गाइस मंदिर में दर्शन हो चुके हैं समाप्त यहाँ पे, अब हम अपने मार्केट की तरफ जा रहे हैं, जोशीमठ मार्केट की तरफ। गाइस हम फिर से वही शॉर्टकट रूट पे जाएंगे, देखते हैं शॉर्टकट रूट। चलिए गाइस आप डेंजर जा रहे हैं यहाँ पर, खतरों के खिलाड़ी बन के। यहाँ पर हम खतरों के खिलाड़ी बन के जा रहे हैं गाइस, डर भी लग रही है कहीं सामने से कोई गाड़ी ना आ जाए। गाड़ी कहीं इधर ही दम न तोड़ दे। यहाँ पर सेकंड गियर डाल दिया है मैंने। काफ़ी अच्छा रूट है गाइस, इंटरेस्टिंग रूट है, मज़ा आ रहा है राइड करने में। ऐसा लग रहा है कि चलो
काफ़ी मज़ा आ गया गाइज इस रूट पे जाके।